कोई डाउट नहीं। तो 15 15 क्वेश्चन तीनों में से पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस टोटल, 45 क्वेश्चन, एंड हाउ मेनी मिनट्स, 120 मिनट्स, 120 मिनट्स, ओके 120 मिनट। गाइडलाइन हैज बीन शेयर्ड ऑलरेडी, गाइडलाइन हैज बीन शेयर्ड ऑलरेडी इन योर ग्रुप। टुडे आई विल डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग, वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड आफ्टर दैट लास्ट 5 to 10 मिनट आई विल डिस्कस विच टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर विल आस्क टुमारो। सर कल के पेपर में केमिस्ट्री का सिलेबस आने वाला है। हाँ जी, जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा है वही आएगा। इन लास्ट 10 to 15 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम एंड हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू ट्राई टू अटेम्प्ट। ऑल क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। नो सर। इन स्टार्टिंग 40 मिनट्स वी विल स्टडी आवर सिलेबस एंड इन लास्ट 20 मिनट्स वी विल डिस्कस हाउ टू गिव एग्जाम टुमारो। आई थिंक ऑल क्लियर। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड बिफोर शेयरिंग स्क्रीन आई एम गोइंग टू ज्वाइन विथ माई फोन। वेट वेट 2 मिनट्स परफेक्ट। Wait 2 minutes. Is the screen visible? Sir, chemical bonding वाली screen दिख रही है। हाँ जी, chemical bonding वाली ही आएगी। मतलब अभी जो पढ़ाऊंगा chemical bonding ही आएगा। लेकिन जो कल टेस्ट में आएगा वो क्या आएगा? बताओ भाई वो क्या आएगा? वो आएगा classification of elements, periodic table का आएगा। Periodic table जो हमने already पढ़ चुके हैं, जो हम लोग already पढ़ चुके हैं। Clear है? Clear है। गीतिका माकर, Are you able to hear me? गीतिका माकर, गीतिका मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है। कहाँ से हो आप? सर लुधियाना से। लुधियाना, स्वागत। पंजाब। हाँ जी सर। चलो, we are going to start our classes, okay? गुरमनन कौर, आप कहाँ से हो भाई? हरियाणा। चलो यार, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? वीवीटी पढ़ेंगे। वीवीटी का पूरा नाम कोई बता दे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? हमने इसके पहले पढ़ा था फजान्स रूल। क्या पढ़ा था? फजान्स रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? फजान्स रूल। फजान क्या बोलता है? What we discuss about in Fajans rule? Size of cation and anion. No, Fajans rule ये बोलता है कि you have ionic compound, but in ionic compound some covalent character are there. Some covalent character are there. Who says? Fajans says. And what will be the condition of for covalent character? Size of cation should be small. Size of cation should be small and size of anion should be large. If these two conditions are followed, then we can say that ionic compound are there, but maximum covalent there if size of cation should be small and size of anion should be large. All clear? Yes, sir. We are going through a question. I have a question. BeCl2, MgCl2, which is more covalent? Which is more covalent? One or two? Which are more covalent? Both are ionic, but in which covalent character are more? कोई नहीं जानता यार। आप ये बताओ, anion are fixed, both are chlorine. Anion are fixed, both are chlorine. And cation, size of beryllium and size of magnesium, which is large? Beryllium is in second period element and magnesium is third period element. In second period element, 2 cells are there and third period element, 3 cells are there. So we can say that magnesium are larger than beryllium. But for covalent character, size of cation should be? Small. अगर स्मॉल होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लार्ज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा नहीं होगा। तो ऊपर वाला स्मॉल है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि BeCl2 आर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन MgCl2।
ऑल क्लियर? यस सर। एनीवन डाउट? एनीवन हैविंग डाउट? एनी? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते यार, आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? आई हैव NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड SiCl4। 1, 2, 3, 4। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। अरेंज दिस क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। चैट बॉक्स, इन चैट बॉक्स राइट आंसर इन चैट बॉक्स। अरेंज दिस क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या? बताओ भाई, क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या? अरे बोलो यार। यस सर। सॉल्व करो यार। हरिनी? यस सर। सॉल्विंग और नॉट? गीतिका? यस सर सॉल्विंग। आर्यन? आदित्य? यस सर। यस सर। हर्ष? हर्षित? पूजिता? ऋतिक? गुरमनंत कौर? गुरमनंत कौर? अदर्स? व्हाट्स अबाउट अदर्स? व्हाट्स अबाउट अदर्स? क्या कर रहे हो बाकी लोग, क्या कर रहे हो? आप लोग अपना आंसर दोगे क्या? यार सीधी सी बात है यार, इन ऑल ऑप्शंस एनायन आर सेम मींस क्लोरीन, इट मींस फिक्स, एंड केटायन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। विच ग्रुप आर देयर, विच पीरियड एलिमेंट आर देयर? थर्ड पीरियड एलिमेंट? बोलो यार, थर्ड पीरियड एलिमेंट। एंड इन थर्ड पीरियड एलिमेंट वी आर गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ सिलिकॉन, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। इफ वी आर मूविंग टू लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज द साइज? डिक्रीजेस। डिक्रीज, डिक्रीज, then size decrease, then covalent character increase. It means silicon chloride is more covalent than aluminium chloride, then magnesium chloride, then NaCl. And which are more ionic? Which are more ionic? First one. NaCl is more ionic. More ionic. All clear? Done हो गया क्या? Done हो गया. अब हम बढ़ते हैं VBT. VBT क्या होता है? Valence bond theory. हाँ जी बताओ sir. सर इसको परसेंटेज एस कैरेक्टर से कर सकते हैं क्या? क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर से? परसेंटेज एस कैरेक्टर से कर सकते हो, लेकिन उसमें पता है क्या होता है? उसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होना, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ये आयनिक बॉन्ड है ना, तो जब एस कैरेक्टर किसमें निकलता है? जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तब निकलता है। उसमें हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर। हाँ तो इसमें आप लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि क्या है, ये आयनिक है। क्लियर है बात? वो भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो हम आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या मतलब है? मैंने आपसे बताया था जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। हाउ टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म? बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल क्लियर? यस क्लियर। By sharing of electron, covalent bond or form. अब देखो ये जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? एक नाम है इसका, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन लेकिन वही अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक का नाम सिग्मा हो जाएगा, एक का नाम सिग्मा हो जाएगा, दूसरे वाले का नाम पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा दो पाई, एक का सिग्मा
सिग्मा दो, बाकी दो को क्या बोलोगे? टू पाई, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बोलोगे। क्या क्लियर है? क्या ये नाम है यार? अब ये मत पूछना इसका सिग्मा बॉन्ड नाम क्यों है, इसका पाई बॉन्ड नाम क्यों है। ये वही बात हुई, शोभित आपका नाम शोभित क्यों है यार, मुझे क्या पता। क्लियर है क्या? बस इतना पता है, सिंगल देखा तो सिग्मा बोल दिया, डबल देखा तो एक को सिग्मा दूसरे को पाई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या होता है, जो वीबीटी होता है ना, वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें यही बताया जाता है कि यह बॉन्ड बनते कैसे हैं। क्या बताया जाता है? यह बॉन्ड बनते कैसे हैं, बॉन्ड बनते कैसे। आप बताओ, मान लो कि हमारे पास क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है, और क्लोरीन है तो ये बताओ इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, क्या कुछ ऐसे लिखूंगा क्या? इसमें भी कुछ ऐसे लिखूंगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ऑल क्लियर है? क्लियर है। तो बच्चों पता है क्या, ये लास्ट वाला अगर देखोगे ना, यह खाली है हमारे पास, और यही क्या जाता है? बॉन्ड बनाने के लिए जाता है। कौन जाता है? जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या जाता है? बॉन्ड बनाने के लिए जाता है। तो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 3p5 है, आप बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वन। वन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इन 3p5? वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, एंड वन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड क्लोरीन। अब दूसरे क्लोरीन में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या जाता है? बॉन्ड बनाने के लिए जाता है। वही क्या बनाया जाता है? बॉन्ड बनाने के लिए। तो ध्यान से देखना, यह तो सबसेल है, यह क्या है? सबसेल है, सबसेल है, लेकिन जो एक एक डब्बा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिटल ही क्या बनाते हैं? ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं। ऑर्बिटल क्या जाते हैं? बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं। क्या सबसेल बॉन्ड बनाने के लिए जाता है या फिर ऑर्बिटल? ऑर्बिटल जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, ऑर्बिटल जाता है, सबसेल नहीं जाता है। कौन जाता है बॉन्ड बनाने के लिए? ऑर्बिटल। तो आप लोग सभी को लास्ट तक रुके रहना, अटेंडेंस मिलेगा, वी आर टेकिंग अटेंडेंस लास्ट। तो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए जाता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सभी ऑर्बिटल का फोटो देखेंगे। सभी ऑर्बिटल का क्या देखेंगे? फोटो, फोटो देखेंगे सभी ऑर्बिटल का। वी हैव एस सबसेल, S subcell, then P subcell, then D subcell and F subcell. अब ये बताओ, ये बताओ जो हमारे पास S subcell है, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? S ऑर्बिटल। क्या नाम होगा? S ऑर्बिटल। अगर बात करूं मैं P subcell की, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? थ्री ऑर्बिटल। एक का नाम हो जाएगा PX ऑर्बिटल, दूसरे वाले का नाम PY ऑर्बिटल, और तीसरे वाले का नाम PZ ऑर्बिटल, PZ ऑर्बिटल। एंड आफ्टर दैट वी हैव डी सबसेल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल? फाइव ऑर्बिटल, फाइव ऑर्बिटल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइव ऑर्बिटल? dx square, dy square, and dz square. All clear? Yes, sir. And how many subcells in, how many orbitals in F subcell? Seven. And anyone did not know that seven orbital, what is the name? कोई नहीं जानता इसका क्या नाम है। This is complex, बहुत ही ज्यादा complex है, complicated है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बस इतना जानते हैं, इतना है। तो हमें पढ़ना क्या है अभी? केवल हमें केवल क्या पढ़ना है? दो ही पढ़ना है, S और P ऑर्बिटल। क्या पढ़ना है? S और P ऑर्बिटल। ऑल क्लियर? क्लियर है, यस सर, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हम फोटो देखते हैं। क्या देखते हैं? फोटो, फोटो ऑफ ऑर्बिटल्स, फोटो ऑफ ऑर्बिटल्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? शेप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? शेप बोल सकते हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं S ऑर्बिटल की। किसकी बात करते हैं? S ऑर्बिटल की। आप बताओ S ऑर्बिटल है हमारे पास, सबसे पहले आप क्या ले लो? कोऑर्डिनेशन एक्सिस ले लो। क्या ले लो? कोऑर्डिनेशन एक्सिस ले लो। और S ऑर्बिटल का जो फोटो होता है वह कैसे होता है? लाइक फुटबॉल, लाइक फुटबॉल। ऑल क्लियर है? द शेप ऑफ S ऑर्बिटल इज लाइक फुटबॉल। क्लियर है क्या?
फुटबॉल यस सर। अब ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, फुटबॉल को किसी भी एक्सिस पे रख दो, क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। नो सर। अब हमारे पास आता है पी ऑर्बिटल। क्या आता है? पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल भी कितने टाइप के? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। क्लियर। वी आर गोइंग टू मेक अ कोऑर्डिनेशन एक्सिस। हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? हम पी एक्स एक्सिस का ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप बताओ, ये एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया? एनी डाउट इन एक्सिस? नो एक्सिस। व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल? व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल? डम्बल, लाइक डमरू, डम्बल, डम्बल। कैसे डम्बल बनता है? क्या अगर मैं पी एक्स की बात करूंगा, पी एक्स की बात करूंगा ना, ये जो डम्बल है ना वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। किस एक्सिस पे होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अगर मैं पी एक्स की बात करूंगा तो डम्बल किस एक्सिस पे होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अगर मान लो बच्चों, अगर मैं पी वाई की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? पी वाई ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो आप बताओ ये डम्बल किस पे होना चाहिए? वाई एक्सिस। किस पे होना चाहिए? वाई एक्सिस। और हम तीसरा क्या ले लेते हैं? तीसरा हमारे पास है, थर्ड वन इज पी जेड, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। कैन यू टेल व्हाट इज द एंगल बिटवीन वाई एंड जेड? एनीवन? 45। इन चैट बॉक्स एनीवन? एनीवन कैन राइट इन चैट बॉक्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन जेड एंड वाई? 45। आप चैट बॉक्स में बताओ। यार यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यार आप लोग इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हो? आप लोग ये बताओ, इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हो आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो? सर 90 डिग्री। रौनक, रौनक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये 180 बाई 2 का क्या मतलब है? आपने बोले सर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो। कुछ भी बोल लोगे, 90 × 10, 9 × 10, ऐसे कुछ भी बोल लोगे? 45 से तो बेटर ही है सर। देखो अब सिंपल सी बात यार, एक्सिस है, और एक्सिस क्या होता है यार? एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। क्या होता है? 90 होता है। आप अपने दीवाल के कोनों पे जाके देखो, घर का दीवाल होगा उसके कोने पे जाके देखो, जो वह भी एक तरीके का क्या है? एक्सिस है। इन सब के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। पता नहीं क्यों आप लोग समझ नहीं रहे हो। रुको मैं एक तरह से गूगल से बताता हूं। मैं एक फोटो लेके बताता हूं। वेट, ये बताओ क्या आपको ये दिख रहा है क्या? यस सर। अब ये बताओ, ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है। अब ये बताओ एक्स और वाई के बीच एंगल? 90 डिग्री। 90। वाई जेड? 90। एंड जेड एक्स? 90 का होता है। आप लोग गलती कैसे बता दिया यार? 45 क्यों बता दिया? देखो यह कौन सा है, यह कौन सा ऑर्बिटल है? पी एक्स। एंड दिस वन? पी वाई। पी वाई। एंड दिस वन? तो आप लोग गलतियां कैसे कर सकते हो? अब ये बताओ इन एक्सिसों के बीच एंगल कितना है, जो पी वाई, पी जेड एंड पी एक्स है? 90 तो होगा ना, बोलो यार। yes, तो आप लोग को गलत नहीं बताना है। आप लोग समझ गए क्या आप कैसे करना है? yes, sir. समझ गए आप लोग। कितने लोगों को नहीं पता था पहले से? yes, sir. यार आप लोग यार मैथमेटिक्स को के एक्सिस के बीच एंगल नहीं बता पाते हो। बायो वालों से गलतियां होती तो समझ में आता, इंसल्ट करने में अलग मजा आता। ऑल क्लियर, ये हो गया। क्या आपको फोटो पता चल गया क्या?
पीजेड। ऑल क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं डी ऑर्बिटल पे। किस पे आते हैं? डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स? डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल सर, डबल डंबल, डबल डंबल। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ डी ऑर्बिटल्स? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर? वी आर गोइंग टू मेक द शेप ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स। टू थ्री एंड फोर, एक्स एंड वाई। अगर हमसे कोई पूछे कि डी एक्स वाई का फोटो बचाओ, तो आपको क्या करना है? जो डबल डंबल बनेगा ना, वो कहां बनाना है? एक्सिस के बीच में। कहां बनाना है? इन बिटवीन एक्सिस। इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी एक्स वाई, इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी एक्स वाई, द लोब्स आर इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, द लोब्स आर इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डी वाई जेड, देन लोब्स आर इन बिटवीन विच एक्सिस? Y and Z. Y and Z. आप बताओ, क्या हम किसी को भी Y, किसी को भी Z ले सकते हैं क्या? Yes sir. Yes. Mathematics से यार, हम किसी को भी X, Y, Z ले सकते हैं। Angle कितना होना चाहिए सबके बीच? 90. ठीक है? 90. तो आई होप आप लोग होशियार हो गए एक ही क्वेश्चन में। बोलो भाई। अरे बोल दो यार। ये डी जेड एक्स हो जाएगा। क्लियर है बातें? अब नेक्स्ट आते हैं डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो। तो जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा, तो लोब्स कहां बनेंगे? एक्स एक्सिस पे बनेगा, और कहां बनेगा? वाई एक्सिस पे बनेगा। जब डी जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर की, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करेंगे, तो लोब कहां बनेगा? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। लेकिन जब डी जेड एक्स करेंगे, तो लोब कहां बनेगा? X और Z एक्सिस के बीच में, X और Z एक्सिस के बीच में। क्या क्लियर है? क्या बात है? Yes, sir. लास्ट, लास्ट वन, डी जेड स्क्वायर। तो सपोज दिस इज जेड एक्सिस एंड वी आर गोइंग टू मेक डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर लाइक दिस, फोटो इज लाइक दिस। ओके, डी जेड स्क्वायर का फोटो कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है। क्लियर है बातें? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? No, no, sir. कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, ये सब किसका फोटो है? किसका फोटो है? ये सब ऑर्बिटल्स का फोटो है। किसका फोटो है? किसका शेप है? ऑर्बिटल्स का है। अब देखो, अब जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है कैसे बनता है? बाय ओवरलैपिंग ऑफ, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बोलो यार, ऑर्बिटल्स, 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 बाई ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल्स। अब बताओ, हमारे पास टू टाइप के बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन है, तो इसके ऑर्बिटल्स होंगे और इसके ऑर्बिटल होंगे, दोनों ओवरलैप करेंगे तब जाके बॉन्ड बनेगा। बोलो भाई। यस सर। तो देखो, हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। मैं बताता हूँ कैसे बनता है। यहाँ पे लिख ले रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पाई बॉन्ड। अब देखो, जब भी एस और एस ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, तब जाके कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब भी पी और एस का मिक्सिंग होता है, तब कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और जब भी पी और पी का मिक्सिंग होता, तब कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड बनने के लिए एक ही कंडीशन, पी और पी। तो देखो, आपको एस और एस मिलेगा और पी और एस ऑर्बिटल मिलेगा, तो सिग्मा तो बन गया, ये तो क्या है, फिक्स है। लेकिन पी और पी सिग्मा भी बनाता है, और क्या बनाता है? पाई भी बनाता है। इसमें दो कंडीशन, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। क्या क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्या आपने यहाँ तक पढ़ा है? क्या आपने यहाँ तक पढ़ा है क्या?
क्या क्या आपने पढ़ा है क्या ये बॉन्ड कैसे बनने के लिए जाता है? यस सर। क्या कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा है बताओ भाई तनीसा। सर द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल ओवरलैप विद अनदर शेप ऑफ एस ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या सीन है। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, H2 है। क्या है? H2 है। तो क्या कुछ ऐसे बनेगा, क्या बॉन्ड H और H बनेगा? अगर मैं बात करूं इसमें कौन से ऑर्बिटल है, 1s1 और 1s1, बोलो भाई। Yes, sir. अब बताओ दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ऑर्बिटल्स आपस में आएंगे, ओवरलैप करेंगे और क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये आएंगे कैसे आप बताओ, मैं सबसे पहले क्या ले ले रहा हूँ, इस वाले का मैं एस ऑर्बिटल ले ले रहा हूँ, क्लियर है? और दूसरे वाले का भी क्या ले ले रहा हूँ, एस ऑर्बिटल ले ले रहा हूँ। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब यह बोल रहा है कि यह एक्स एक्सिस इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, बताओ बनेगा कि बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का क्या मतलब, यह इसी एक्सिस के थ्रू आएगा, इसको तो हम लोग एक को फिक्स कर ले रहे हैं, फिक्स यानी कि वहां पे फिक्स कर दे रहे हैं, और दूसरे वाले को मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू। जब एक्स एक्सिस के थ्रू मूव करेंगे ये वाला जो ऑर्बिटल है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बोलो भाई। यस सर। ये एस और एफ से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यह एक्स एक्सिस से जो एस ऑर्बिटल है, चाहे एक्स एक्सिस से आ जाए और चाहे ऊपर से आ जाए, वाई एक्सिस से आ जाए, कहीं से भी आए, किसी कोने से आए, हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये एस और एस वाला तो कंडीशन फिनिश हो गया, एस और एस वाला मिक्सिंग तो फिनिश हो गया। अब दूसरा क्या आता है, पी और एस, क्या आता है, पी और एस। अब पी ऑर्बिटल बना लेते हैं, पी ऑर्बिटल बना लेते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, पी एक्स वाला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पी एक्स वाला बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हमने पी एक्स बना लिया, क्या बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. और हमारे पास ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, क्लियर है बातें। अब देखो यह बोल रहा है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे और इस वाले को मूव करेंगे, बोलो भाई, मूव करेंगे। जब इस वाले को मूव करेंगे तो पता है क्या होगा, हमारे पास यह पी ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल आके यहाँ पे चिपक जाएगा। तो केवल और केवल देखो एक बात ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है ना, हम ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो है ना, ये येलो कलर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए एक ही कंडीशन, कहां पे जुड़ना पड़ेगा, हेड पे जुड़ना पड़ेगा, कहां पे जुड़ना पड़ेगा, हेड पे जुड़ना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड के लिए एक ही कंडीशन, कहां पे ऐड होना पड़ेगा, हेड पे ऐड होना पड़ेगा। ऑल क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या बोल दिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया। जब एक्स एक्सिस बोल दिया तो क्या यह एक्स एक्सिस के पास जाएगा, क्या बताओ भाई, और क्या ऐसे बॉन्ड बना लेगा, क्या बताओ यार। Yes, sir. तो जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। वही अगर बोलता इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये एस वाला ऑर्बिटल किस डायरेक्शन से आता, वाई डायरेक्शन से आता, बोलो यार। Yes, sir. जब वाई डायरेक्शन से आता तो क्या यहाँ पे एड होता, क्या बोलो। तो जब यहाँ पे ऐड होगा ना तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्या होगा, कोई भी ओवरलैपिंग होगा नहीं होगा। जब कोई भी नो ओवरलैपिंग देन नो बॉन्ड, नो ओवरलैपिंग देन नो बॉन्ड। तो एस ऑर्बिटल को कहां से ऐड होना पड़ेगा, हेड से ही ऐड होना पड़ेगा, कहां से ऐड होना पड़ेगा, हेड से, और कोई भी चांसेस नहीं है। ऑल क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। क्या हम क्वेश्चन कर ले, क्या ये बताओ, हमारे पास s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल है और किसी भी एक्सिस से आ रहे हैं, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एनी एक्सिस,
व्हाट विल बी द बॉन्ड फॉर्म, सिग्मा और पाई और नो? सिग्मा बॉन्ड. जेई मेंस एवरी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क दिस टाइप, जेई मेंस कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्लियर है? तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा. आप बताओ एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, कहीं से भी आ जाए यार, क्या फर्क पड़ता है इसको? सिग्मा बॉन्ड बन गया. अब ध्यान से देखना, हमारे पास एस ऑर्बिटल है और पी एक्स है, और किस एक्सिस से आ रहा है? कमिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस. देन व्हाट विल बी द बॉन्ड फॉर्म, विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म? सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. जैसे कि हमारे पास पी एक्स है, ये पी एक्स हो गया और यह एस हो गया, और एक्स एक्सिस के थ्रू आ रहा है. किसके थ्रू आ रहा है? एक्स एक्सिस के थ्रू आ रहा है. तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. अगर ये एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस लिखा होता तो कौन सा बॉन्ड बनता? नो बॉन्ड. नो बॉन्ड. अगर एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस लिखा होता तो कौन सा बॉन्ड बनता? गुरमनंत कौर. नो बॉन्ड. नो बॉन्ड. ये बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है? कैन हैंड रेज. हु डिड नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज हैंड रेज. सर कैन यू रिपीट लास्ट टाइम? लास्ट टाइम देखो, यही बता रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, अगर इसके हेड से आएगा जुड़ने के लिए एस ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और चाहे किसी भी कोने से आएगा तो नहीं बनेगा. अगर आप इसको वाई से भेजोगे तो आप बताओ क्या इसके इस वाले पे तो ओवरलैप करेगा, और इस वाले ओवरलैप पे क्या कोई ओवरलैपिंग होता है क्या? कोई ओवरलैपिंग नहीं होता. अगर जेड से आएगा तो भी ओवरलैपिंग नहीं होगा. इसको कहां से आना पड़ेगा ओवरलैपिंग करने के लिए? केवल और केवल एक्स से ही आना पड़ेगा. क्लियर है क्या बातें? बोलो यार. यस सर. किसी को भी डाउट एक बार हाथ उठा दो यार, एक बार हाथ उठाओ. मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, हाथ उठाओ. एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड कैन हैंड योर रेज. आप लोग अपना हाथ उठा लो यार, जिसको नहीं समझ आ रहा है, जिसको नहीं समझ आ रहा है एक बार हाथ उठा लो. आई थिंक सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है. बोलो यार. यस सर. यस सर. अब देखो, मान लो एस ऑर्बिटल है और पी वाई वाला है और वाई एक्सिस से आ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. देखो ये पी वाई है और यह वाई एक्सिस है, तो एस ऑर्बिटल भी किस डायरेक्शन से आ रहा है? वाई डायरेक्शन से आ रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा. अगर वही एक्स डायरेक्शन से आता तो कौन सा बॉन्ड बनता? नो बॉन्ड. नो बॉन्ड. नो बॉन्ड. अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल है और पी एक्स है और जेड एक्सिस से आ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? नो बॉन्ड. नो बॉन्ड. विच बॉन्ड? नो बॉन्ड. ऑल क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर. किसी को डाउट? किसी को डाउट? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए यार, बहुत बार पूछे गए, मेनी टाइम्स. जेई फेवरेट क्वेश्चन, जेई एडवांस फेवरेट क्वेश्चन. देखो यार, और फिर स्टार्ट करते हैं हम. सिग्मा बॉन्ड आपका फिनिश हो गया. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा आप बताओ भाई? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से, एक तो एस और एस, एक पी और एस, और एक पी और पी. तो अब हम थर्ड तरीके पे आते हैं पी और पी का. किस पे आते हैं? पी पी मिक्सिंग. देखो दो टाइप का मिक्सिंग होता है. अगर हेड टू हेड ओवर मिक्सिंग हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा. अगर साइड बाय साइड हो तो पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड. साइड बाय साइड हो तो पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड. आओ देखते हैं हेड कौन सा है और साइड कौन सा है. ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, और पी ऑर्बिटल में ये वाला जो रेड वाला जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हेड. क्या बोलते हैं? हेड. और जो यहाँ पे ये वाला सीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड. साइड. क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं. अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ तो क्या आप कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ध्यान से देखना, सपोज वी हैव टू पी ऑर्बिटल. सपोज वी हैव टू पी ऑर्बिटल. अब देखो इसका हेड यह है, इसका हेड यह है. हम क्या कर रहे हैं? दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं. जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो आप बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. मान लो कि हमारे पास यह पी ऑर्बिटल है और यह भी पी ऑर्बिटल है. अब इसका साइड मिक्स कर रहे हैं,
और इसका साइड मिक्सर है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनेगा। क्या डाउट है क्या किसी को इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज आई हैव px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड अनदर px ऑर्बिटल एंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज x एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज x एक्सिस। इसका मतलब आप एक को फिक्स कर दो, दूसरे वाले को x एक्सिस की तरफ मूव करो, यही होता है ना इसका मतलब? यही होता है। जब एक को फिक्स कर दोगे, दूसरे को x की तरफ मूव करोगे, तो इसका हेड जो है इसके हेड से अटैच हो जाएगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर, यस सर। अगर वही आप बताओ जेड, देखो अगर वही आप क्या करते, सपोज px एंड px एंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज y एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज y एक्सिस, तो आप इसको क्या कर देते, फिक्स कर देते और इसको उठा के ऊपर ले जाते। अब हम क्या करते y एक्सिस के थ्रू लाते, तो अब हम इसको नीचे लाएंगे, अब y एक्सिस के थ्रू लाएंगे, नीचे लाएंगे तो इसका साइड इसके साइड से मिलेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो देखो हमारे पास अगर px हो और px हो और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो, y हो या फिर z हो, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। अगर वही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस होता तो कौन सा बॉन्ड बनता? सिग्मा बॉन्ड। ऑल क्लियर है? यस सर। All clear to anyone? Anyone having any doubt? Can ask question. क्या किसी को कोई डाउट है? बोलो यार। No sir. कोई डाउट? No sir. कोई डाउट नहीं है। आओ, आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब ये बताओ, हमारे पास px है और px है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। py एंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज y, सिग्मा बॉन्ड। अगेन सिग्मा बॉन्ड। pz एंड pz इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज z, सिग्मा। एंड px इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज y एंड z, पाई बॉन्ड। एंड वन इज पाई एंड दिस वन इज v। Five. बताओ इसमें किसी को भी डाउट, बताओ भाई किसी को भी डाउट? नो सर, नो सर। कितने लोग पहले से जानते थे ये, कितने लोग पहले से जानते थे ये? मैं। ये क्या आपके बोर्ड में तो होगा नहीं, बताओ भाई बोर्ड में तो ये नहीं होगा? बोर्ड इन द सेंस सीबीएसई में नहीं है। कितने लोग ये जानते थे ऐसे? सर मैं यूके में था सर, बोर्ड में। अच्छा आप यूके में हो? Yes, sir. हाँ जी, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। आप लोग जहाँ से भी पढ़ो बट यहाँ पे बेस्ट करो, और कल आप लोग का एग्जाम है, आप लोग को एग्जाम में भी बेस्ट करना है। क्लियर है बातें? क्लियर। यस सर। आगे पूछते हैं। आई हैव क्लोरीन एंड क्लोरीन बॉन्ड, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन क्लोरीन? सिग्मा बॉन्ड। कैन एनीवन प्रूफ this is sigma bond? Which type of bond in oxygen? Pi bond. First sigma and second pi. And which type of bond in nitrogen? First sigma and baki do pi. Sigma, baki do pi. Clear hai baatein? Clear hai. Aao main proof karta hu oxygen ka. Ab ye batao, what is electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s2 and 2p4. तो आप बताओ हमारे पास जो ऑर्बिटल खाली होगा हम उसी पे लिखेंगे, बताओ भाई। Yes, कितने ऑर्बिटल खाली हैं? टू ऑर्बिटल।
अब देखो, अब मान लो कि यह पीजेड है, यह पीएक्स है और पीवाई है, खाली कौन कौन सा है? पीएक्स एंड पीवाई. पीएक्स एंड पीवाई. तो वी आर गोइंग टू मेक टू ऑर्बिटल्स. दिस इज पीएक्स ऑर्बिटल एंड दिस वन इज पीवाई ऑर्बिटल. दिस वन इज पीवाई ऑर्बिटल एंड दिस वन इज px orbital. अब मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? x एक्सिस है. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? x एक्सिस है. जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस होगा तो हम मूव करेंगे x एक्सिस की तरफ. जब x एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो क्या ये वाला मैच कर जाएगा क्या? बताओ भाई. यस सर. यस सर. बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा. अरे हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ना, सिग्मा बनेगा ना. यस सर. तो फिर इसका वाला साइड इसके वाले साइड से भी तो मैच करेगा ना. यस सर. हाँ, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा साइड बाय साइड? पाई बॉन्ड बनेगा. क्या प्रूफ हो गया? क्या वन सिग्मा एंड सेकंड वन इज पाई? एनीवन हैविंग डाउट? नो सर. कोई डाउट? नो सर. नाइट्रोजन का देखो, वन सिग्मा एंड टू पाई. चेक दिस, वन एच टू, टू एच टू एंड टू पी थ्री. वन एच टू, 2s2 and 2p3. Three bond are there like this. Any one problem? No problem. We are going to draw the structure. अब ये बताओ मैंने तीन एक्सिस क्यों बनाया है? ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए. ट्रिपल px, py and pz. तो इसको मैं x ले ले रहा हूँ, z, y. X, Z and Y. X, Z and Y. X, Y and Z. अब ये बताओ अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X एक्सिस है, ये बताओ ये वाला इसे जुड़ जाएगा? Yes sir. Yes. ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. सिग्मा. और ये Y वाला Y से जुड़ेगा? आई. और ये जेड वाला किसे जुड़ेगा? जेड से. तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा. तो आपको दिख गया क्या? एक सिग्मा, बाकी दो पाई. यस सर. यस सर. प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप लोग कर लोगे क्या जेई में? प्रैक्टिस करोगे तभी होगा. यस सर. यस सर. प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, बाकी वैसे नहीं होगा. देखो, अब देखो हमारे पास क्या क्या है. इतना तो हमने पढ़ लिया. आई होप मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट होगा यहां तक. देखो यार, ये कुछ दिया हुआ, इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा. अब ये देखो, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इसमें डायरेक्शन होता है. किसी को इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल बोलते हैं. लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं. नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं. क्लियर है बातें? हिंदी में बता दो डायरेक्शन. अरे भाई ये हिंदी आप उस वाले में क्यों नहीं आते? यूके वाले में कौन बोला हिंदी में? सर मैं. अच्छा आपको मतलब कौन सी क्लास है, कितनी क्लास ले चुके हो आप? फर्स्ट अटेम्प्ट है. तो आपने मुझे मैसेज करना, ठीक है? एक हम लोग का हिंदी वाला भी ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप में आना. आप यूके से हो या फिर यहाँ से? फीडिंग इंडिया. यूके से सर. हाँ तो आप उसी हिंदी वाले में चले जाना, ठीक है? ओके सर. क्लियर है बात? ठीक है, वहां पे हिंदी में चल रहा है. तो देखो, तो ये आप लोग देख लेना, टू टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड की क्या है? प्रॉपर्टीज है. क्या है? प्रॉपर्टीज है. क्या प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे क्या? अगर मानो कहीं सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है, दो बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड इज वीकर. पाई बॉन्ड इज वीकर. क्लियर है? क्लियर है. एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विल मेक सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड.
एस एंड पी विल मेक, बोलो यार, सिग्मा बॉन्ड ना, सिग्मा बॉन्ड, यस सर, सिग्मा बॉन्ड, एंड पी, एंड पी विल मेक सिग्मा बॉन्ड, बट वन कंडीशन इज देयर, दे शुड मेक हेड टू हेड ओवर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मींस साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड, दिस पीजेड एंड दिस पीजेड विल मेक सिग्मा बॉन्ड, विल मेक सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस पी वाई एंड दिस पी वाई विल मेक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओ टू मॉलिक्यूल, मैंने ये बताया था, ओ टू मॉलिक्यूल मैंने बताया था कैसे बनेगा। अब ये वाला तो हमने कर ही लिया, क्या कर लोगे कि आप लोग कर लोगे यार। अब देखो ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, व्हाट मींस बाय ड्रॉबैक, हरिनी आर यू अंडरस्टैंडिंग, हरिनी आर यू इन क्लास, वेट वेट वन मिनट, वेट वन मिनट, ये बताओ क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब देखो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कल, एग्जाम में विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आस्क इन टुमारो एग्जाम, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन टुमारो एग्जाम, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, ओके। सपोज बच्चों आई हैव सोडियम प्लस, मैग्नीशियम टू प्लस, एल्यूमिनियम थ्री प्लस एंड सिलिकॉन फोर प्लस, विच इज लार्जर एंड विच इज स्मॉलर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कर लो यार। करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बिकॉज अगर जितना ही ज्यादा प्लस चार्ज होगा साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटायन, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में बता रहा हूँ, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है मतलब इलेक्ट्रॉन आर सेम, तो डिक्रीज होता जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन माइनस एंड ऑक्सीजन टू माइनस एंड ऑक्सीजन वन टू एंड थ्री, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज, सर इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए क्या? हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, वन टू एंड थ्री, वन टू, वन टू थ्री, नो नॉट क्लियर, टू वन थ्री, टू वन थ्री, टू वन थ्री, सर टू वन थ्री, माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी, माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, क्लियर है बातें? यस सर, क्लियर है सर। अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन, मान लो कि हमारे पास सोडियम है और क्या है सिलिकॉन है और क्या है मैग्नीशियम है, ऐसे पूछ सकता है इन तीनों में, इन तीनों में ये पूछ सकता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन इनथैल्पी में डिफरेंस सबसे ज्यादा किसके में है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन इनथैल्पी में डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें होगा, डिफरेंस सर सोडियम, अदर्स सोडियम किसने बोला, सोडियम किसने बोला बताओ भाई, सर मी गुरमंदर, यार सिंपल सी बात है, अगर आप इसको लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1, इसको क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6, 3s2 and 3p, बताओ भाई 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई ई वन एंड व्हाट हैपन, टू एस टू एंड टू पी सिक्स, टू पी सिक्स। अब ये देखो इवन हो गया और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बचा, ये क्या आठ इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बताओ भाई बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकाल लिया, अब क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी क्या, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल गया लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल पाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा इसमें। क्लियर है क्या बात है? यस सर। मैग्नीशियम का देख लो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3s1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2s2 और 2p6, और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन और भी इजी से निकल जाएगा क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा नहीं होता। कौन सा आंसर होगा? सोडियम होगा। क्लियर है बातें? यस सर। यू नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ ऐसे होता है, हमारे पास यह न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट में क्या है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको धक्का मारता है, बोलता है कि अंदर नहीं आना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बताओ सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे लगेगा, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, जो एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है और एफ ऑर्बिटल होता है। तो सबसे नजदीक न्यूक्लियस के कौन है? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल चाहेगा नहीं, कोई कोई दूर वाला मेरे पास न्यूक्लियस के पास है तो एस ऑर्बिटल सबसे तेजी से धक्का मारेगा। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन, एस देन पी देन डी देन एफ। क्लियर है? बोलो यार। यस सर। यस। अब ये बताओ जो हमारे पास क्या था, ये बताओ ऑक्टेव रूल किसने दिया था? न्यूलैंड। एंड ट्रायड रूल? डोबेरेनियस ट्रायड। डोबेरेनियर। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट? मेंडेलीव। मेंडेलीव। एंड एटॉमिक नंबर? हेनरी मोजले। एंड यू कैन से दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑल क्लियर है? यस सर। क्या मैंने आपको एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और एम्फोटेरिक नेचर बताया था क्या? यस सर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। अगर हमारे पास Na2O है और हमारे पास Cl2O7 है, ये बताओ यह मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, बेसिक होगा। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। और कुछ कुछ एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक कौन होते हैं, Al2O3, ZnO, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक है। और जब मैंने आपको नोट्स बताया था ना, उस नोट्स में सब दिया हुआ कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ये बताओ कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो फेल क्यों हुआ था, ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, बिकॉज दे डिड नॉट गिवन द स्पेस ऑफ फॉर आइसोटोप्स, उन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं दिया था। और आप ये बताओ आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, आइसोटोप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। लाइक एग्जाम्पल, यू नो ना दिस, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, दीज आर आइसोटोप्स एंड मेंडेलीव डिड नॉट गिवन द स्पेस फॉर आइसोटोप्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? और बताओ यार, किसी को कुछ डाउट है क्या?
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, नो डाउट, नो डाउट ना। ठीक है यार, ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और अटेंडेंस आप लोग की ऑलरेडी